हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले 61 क्वेश्चन का ए पार्ट। इसका बी और सी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसे आप खुद से कीजिएगा। तो मूव कीजिएगा 61 का ए पार्ट। मोहन, विजय और अनिल थ्री पार्टनर्स दिए गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कितने पार्टनर्स हैं? तीन, मोहन, विजय और अनिल। उनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 25,000 और 20,000 रुपीज। इन अराइविंग एट दिस फिगर, इन फिगर पर पहुंचने से पहले जो प्रॉफिट था 31 मार्च 2018 में 24,000 रुपीज, वो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया था पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, समझ रहे हैं? एक बात बताइए, प्रॉफिट कब पता चलता है आपको? साल के लास्ट में। तो वो कह रहे तीनों की कैपिटल देकर ये कह रहे इन अराइविंग एट दिस फिगर, इन फिगर पर पहुंचने से, इन फिगर पर पहुंचने तक जो प्रॉफिट था वो क्रेडिट कर दिया गया था, वो पार्टनर्स को दे दिया गया था। तो इट मीन्स दैट ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। ये कौन सी कैपिटल दी गई है? फिर रिपीट करूंगा, सुनो, ऐसा कैसे पता चला? कैपिटल दे दी गई। कैपिटल देके क्या कह रहे हैं कि इन कैपिटल तक पहुंचने से पहले जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया था 31 मार्च में। तो भाई कैपिटल का बैलेंस देने से पहले प्रॉफिट बांट दिया गया था पार्टनर्स के बीच में, तो प्रॉफिट साल की लास्ट डेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये कौन सी कैपिटल है? समझ गए? तो ये क्लियर है बात, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है और हमें प्रॉफिट 24,000 दिया गया है जिसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। पार्टनर्स की ड्रॉइंग दे रखी है मोहन की 5,000, विजय की 4 और अनिल की 3,000 रुपीज 31 मार्च 2018 में। इसके बाद फॉलोइंग ओमिशन वार नोटिस, ओमिशन का मतलब भूलना, कुछ बात आप जो भूल गए थे उनको नोटिस किया गया, कुछ बात आप भूल गए उनको नोटिस किया गया। किन किन बात को भूल गए? आईओसी को भूल गए और आईओडी को भूल गए। आपको यहां पर जर्नल एंट्री बनानी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, समझ गए? पहली बात, कैपिटल कैसी है? ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग, समझ गए? प्रॉफिट दिया, ड्रॉइंग दी पार्टनर की और कहा दो चीज भूल गए, आईओसी और आईओडी। अब पहली बात, आईओसी कौन सी कैपिटल पर निकलती है और यहां कौन सी दे रखी? तो पहले क्लोजिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग में, समझ गए? ठीक है जी, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन का ए पार्ट। 61 क्वेश्चन का ए पार्ट करें स्टार्ट। करें सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी इसमें? क्यों निकालनी होगी? क्योंकि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है और दी गई है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है भाई। चलिए, जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमने फॉर्मेट बना लिया इसका पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर हैं तीन, मोहन, विजय, अनिल, ठीक है जी, मोहन, विजय और अनिल, ये हमने फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर। मनस्वी, समझ में आ रहा क्वेश्चन में क्या बता रहा? क्यों निकालना था ओपनिंग कैपिटल? आईओसी कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकाली जा रही है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में दी गई है वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी दी गई है भाई क्लोजिंग कैपिटल? आरिफ कितनी है? 30,000, 25,000 और 20,000। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान से सुनिएगा, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे और प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो हमने इसमें ऐड कर दिया ड्रॉइंग्स, क्या ऐड कर दिया? ड्रॉइंग्स। जाकर देखे पार्टनर्स की ड्रॉइंग, मुझे सुनिएगा, पार्टनर की ड्रॉइंग, मोहन की 5,000 है, मोहन की 5,000, विजय की 4,000 और अनिल की 3,000, ये मैंने जाकर इसमें ऐड कर दिया। तो यहां पर हमारे आगे 35,000 रुपए
क्या माइनस कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं प्रॉफिट। और आपको बता दूं प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देते तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर देंगे। यहां पर वेट कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं किसी को मंगवाना है तो बता दो, इसमें दो तीन सॉल्व है और पांच छह अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर मंगवाना है सबके लिए। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, ये दिखता नहीं जी, ये दिखता नहीं है उधर तो बाहर क्यों ध्यान नहीं ना, इनको ठंडी लग रही क्या बन गया, आज ही ध्यान नहीं दिया मैं टोकता हूँ क्लास में। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली 8,000, 8,000 और 8,000, समझे 24,000 के 24 को किससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो 8,000 और 8,000 रुपीज आ गया। इस तरह से ये हमारी कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगी, ये कैलकुलेट होकर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 35 से 8 गए 27,000, 29 से 8 गए 21,000 और 23 से 8 गए 15,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई। तो जब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई, अब हम इस पर आईओसी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आईओसी की परसेंटेज देखिए कितनी है 10%, तो इसका 10% 2,700, इसका 10% 2,100 और इसका 10% 1,500 रुपीज, ये हमारे लिए आईओसी आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्लियर है भाई बात आपके। अब इसके बाद हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि आईओसी दिया नहीं था, ओपनिंग कैपिटल नहीं थी, क्लोजिंग थी, ओपनिंग कन्वर्ट करके हमने क्या निकाल लिया, आईओसी निकाल लिया। इतनी बात कोई दिक्कत, इसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक। हमने यहां पर अपना फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर, कितने पार्टनर 3 है, कौन कौन है नाम बोलिए पूरा, मोहन विजय और अनिल और टोटल, ये हमने अपना फॉर्मेट बना लिया मोहन विजय अनिल और टोटल, यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर, ओके। क्या दो चीज भूल गए वो, पहले पार्टनर के लिए सोचकर चलिएगा, आईओसी पार्टनर के लिए क्या है इनकम, क्रेडिट लिख दिया 2,700, 2,100 और 1,500, इनका टोटल 6,300 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये पार्टनर के लिए इनकम है, आईओडी भी भूल गए, आईओडी पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो माइनस कर दिया आईओडी, वो पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंसेस है, कितना दिया गया है 2, बोलिए आराम से देखिएगा 250 और 150, टोटल हो गया कितना 600 रुपीज। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, आईओसी तो पार्टनर के लिए इनकम है, हमने आईओसी लिख लिया, आईओडी पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो हमने उसे क्या कर लिया माइनस कर लिया, कोई दिक्कत ठीक जी। इस तरह से इसमें से इसे माइनस करेंगे, आप सभी समझदार हो, क्या लगेगा क्या बचेगी, इनकम बचेगी एक्सपेंसेस बचेगा, इनकम ज्यादा लग रही है तो यहाँ पर ये पार्टनर की इनकम बचेगी, इसमें से माइनस किया 2,450, इसमें से माइनस किया 1,900, इसमें से 1,350 और ये बचा 5,700। ये पार्टनर के लिए तो इनकम है और पार्टनरशिप फंड के लिए लॉस हो गया, तो साथ के साथ हमने यहाँ पर लिखा डिविजन ऑफ लॉस, और लॉस को आपको पता है हम क्या करते हैं डेबिट। इस 5,700 को यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी 1,900, 1,900 और 1,900 रुपीज, और टोटल हो गया 5,700। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ये
क्लियर, देखिए डेबिट बचा है या क्रेडिट, यहां 2450 क्रेडिट के हैं, 1900 डेबिट के हैं, तो यहां पर कितने बचेंगे, यहां पर ये बचेंगे कितने 550 क्रेडिट के, किसके बचेंगे 550 क्रेडिट के बचेंगे, यहां पर लगा दिया डैश और यहां पर ये हमारे बच गए, ये क्रेडिट के हैं, ज्यादा डेबिट के हैं, तो यहां पर किसके बचेंगे डेबिट के 550 डेबिट के बचेंगे और यहां पर हमने लगा दिया डैश, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर, कॉपी निकाल लो अपनी, इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए, एक तो जर्नल एंट्री बनाने को की गई है, इसकी जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, इसके यहां पर क्या जर्नल एंट्री बनेगी, पहले देखिए क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री में क्या लगाओगे कैपिटल, तो क्या एंट्री बनकर तैयार होगी यहां पर अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही तो होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 550 रुपीज, मेरी क्लास में रोज ही बैठे रहते हो भाई, होते रोज ही बैठे रहते हो सर, बताइए तो आज ही क्यों बैठे, फिर तुम्हारे सामने देखो मैं भी ओढ़ कर रखता हूं, वीडियो बनाते हो क्या रख, अभी तो नहीं उतारा, पहले उतार के रख दू, तो तुम जरूर फॉलो करो भाई, ने जब हम नहीं फॉलो कर रहे तुम्हें कौन, मुझे नहीं सर्दी लगती होगी, मैं भी खुले में ही पढ़ा रहा इस तरह से, बनेगी भाई एंट्री, ठीक, और सीधा वीडियो में कह रहा बच्चों के इतने एटीट्यूड तुम्हारी क्लास के, कल एक को डांट दिया चलते हुए रोज नमस्ते करके जाओ, तो नमस्ते भी करनी छोड़ दी, गलती अपनी, ऐसे एटीट्यूड ले रहे जैसे पता नहीं बहुत लीडर आ रहे हैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त, नहीं हमने ऐसे लीडर ही नहीं देखे दुनिया में, ऐसा हाल हो रहा स्कूल में, इतने बनिए भाई एंट्री, बना दी एंट्री क्लियर, अब एक चीज और देखो मैं आपको बता दूं, तीन पार्ट है इसके बी और सी, ये वाला पार्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उन दोनों पार्ट में कहीं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें और दो बी और सी पार्ट में केवल यहीं तक है क्वेश्चन एंट्री बनाने तक, इसलिए मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट और बनाने के लिए कहा गया है, स्टार्ट करूं कैपिटल अकाउंट, तो अब हम यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर मोहन विजय अनिल, पर्टिकुलर मोहन विजय अनिल, पर्टिकुलर मोहन विजय अनिल, पर्टिकुलर मोहन विजय और अनिल, देखो एक सीधा सा तरीका बता रहा हूं कैसे बनाने का, सबसे पहले तो आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ठीक, यहां पर दो तरह की कैपिटल है, एक तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो साल के लास्ट में बचती है, लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो स्टार्टिंग की कैपिटल होती है वो आप लिखते हैं, स्टार्टिंग में कैपिटल ये रही ओपनिंग कैपिटल, तो समझ गए, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल नहीं लिखते शुरुआत में, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जब जहां से साल शुरू हुआ है वहां पर जो कैपिटल होती है वो बैलेंस लिखकर चलते हैं, तो यहां पर कैपिटल कितनी दी गई है, ये ओपनिंग कैपिटल, इसको मैं किधर की साइड लिख दूंगा, बाय साइड में, समझ गए, तो ये हो गया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितनी कैपिटल है 27,000, उसके बाद 21,000, उसके बाद 15,000, इतनी बात क्लियर हो गई, 27,000, 21,000 और 15,000 लिख दी, उसके बाद तुम्हें मैं इस क्वेश्चन में सीधा बता रहा, यहां से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हो जाओ, कैपिटल लिख ली, क्या है कहां लिख दू, बाय में लिख दू, मनस भी आप बाय बोल रहे थे, इतनी भी कंसंट्रेशन, ये तो कहता हूं लिखने लिखने पे लगी रहो, हमेशा लिखने पे लगी रहो कॉपी में, ठीक है, लिख रहे थे मैं जब बीच में देखी वीडियो बनाते हुए, ठीक है चलो लिख दी, यहां पर हमने सबसे पहले ड्रॉइंग्स लिख दी, ड्रॉइंग्स डायरेक्टली
5,000, 4,000 और 3,000। राहुल ड्रॉइंग के बाद क्या दिखाई दे रहा? प्रॉफिट। कहां गया प्रॉफिट? लिख दो यहां पे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके, कितना? 8,000, 8,000 और 8,000। कोई दिक्कत? उससे आगे क्या दिखाई दे रहा? लिख दी ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग से शुरुआत हुए, उसके बाद कहां लिखेंगे? लिख दिया मैंने बाय आईओसी 2,700, 2,100 और 1,500। क्लियर भाई? अगले अकाउंट पर मूव करो। टेबल शोइंग इन्वेस्टमेंट आईओसी जा चुका, उससे अगला क्या है? कहां लिख दूं? 2 आईओ। कितना? 250, 200 और 150। क्लियर? उसके बाद लॉस, लॉस कहां लिख दूं? 2 PNL appropriation। कितना? 1,900, 1,900 और 1,900। इतनी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत? बस ठीक हो गया। अब हम क्या बचा देंगे? बैलेंस। ठीक है जी, अब हम क्या बचा देंगे इसके बाद? बैलेंस। बैलेंस आप खुद बचा लोगे क्या? है भाई, बैलेंस खुद कर लोगे एडजस्ट? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। बैलेंस आप एडजस्ट कर लोगे, इसका बी और सी पार्ट आप खुद से कीजिएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाए, 62 क्वेश्चन पर। जब आप 62 क्वेश्चन पर आ जाएंगे, इसे मैं क्लोज कर देता हूं यहां पर। जब आप 62 क्वेश्चन पर आएंगे, सुनिएगा, इससे पहले क्वेश्चन के 61 के एबीसी पार्ट है, 62 भी उसी पर बेस करता है। ठीक है, 62 भी कहता है कि जो पिछले क्वेश्चन के एबीसी पार्ट है उनको ही सोल्व कीजिए। राहुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हो? ठीक, 62 क्वेश्चन पढ़िए। एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स इन क्वेश्चन नंबर 61 के ए पार्ट। कह रहे हैं कि 61 के ए बी सी पार्ट में ये मान लीजिए कि कैपिटल क्या है? फिक्स। आपको इनकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? ठीक, करूं शुरू। अब एक बात पहले मेरी बात सुन ले, जब कैपिटल फिक्स होती है तो वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होगी तो हर साल वो ही कैपिटल हमारी कंसीडर होगी। समझ गए क्या? क्लियर है? क्या बताया मैंने? जब कैपिटल फिक्स होती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई क्वेश्चन अराइज, क्योंकि कैपिटल तो हर साल फिक्स ही है, वो ही ओपनिंग होगी और वो ही क्लोजिंग होगी। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है जी। अब हमें, मैं 61 का ए पार्ट ही मानकर, ये मानकर कि कैपिटल फिक्स है, मैं सोल्व कर रहा बी ओ सी अपने आप पढ़ लू। देखिएगा 62 का ए पार्ट, ठीक, जब आईओसी भूल गए और क्या भूल गए थे? यही तो दो चीज भूल लेते। फर्क क्या था उस क्वेश्चन में? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, तो आपने पहले क्या निकल ली थी? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अब कह दिया कि कैपिटल फिक्स है, जब कैपिटल फिक्स हो जाए तो वहां पर हर साल वही कैपिटल होगी, तो वही ओपनिंग है और वही क्लोजिंग है। समझ गए? तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई चक्कर नहीं है, बस दो चीज ध्यान रखनी। क्या भूल गए? आईओसी और आईओटी भूल गए। शुरू करो क्वेश्चन। तो जब आप आईओसी और आईओटी भूल गए तो आपको सीधे क्या बनानी? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है भाई, क्या बनानी है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बहुत सीधा सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो फिर भी एक पार्ट करवा लो। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एक बात फिर पूछूंगा इस क्वेश्चन में, उसमें क्या डिफरेंस है? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, जब फ्लक्चुएटिंग थी तो वहां पर हमने क्लोजिंग दी थी, उसे ओपनिंग कैपिटल बनाकर तब आईओसी निकाला। लेकिन यहां पर कैपिटल फिक्स है, जब फिक्स होगी वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग, तो हमें ओपनिंग, ये टेबल नहीं बनानी ओपनिंग कैपिटल की। क्लियर है? अब आप देखिएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर तीन पार्टनर कौन कौन? मोहन, विजय, अनिल और टोटल। पर्टिकुलर मोहन, विजय, अनिल और टोटल। क्या भूल गए वो सबसे पहले? आईओसी। क्या होती है आईओसी पार्टनर के लिए?
इनकम होती है आईओसी पार्टनर के लिए इनकम, ठीक। तो आईओसी भूल गए हो, हमने लिखा यहाँ पर आईओसी, आईओसी पार्टनर के लिए क्या है इनकम, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिट, समझ गए क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया क्रेडिट, ठीक। पढ़िएगा कैपिटल देखो कितनी है मोहन की, 30,000। इसका कितने परसेंट निकाल दूं, 10%। तो 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000, क्लियर। दूसरे की कैपिटल अब हम इसमें निकालने के बस सीधा आईओसी कितनी है कैपिटल 25,000 का 10% 2,500, उसकी कितनी है 20,000 का 10% 2,000, और इनका टोटल 7,500 रुपीज। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्लियर। क्या भूल गए दूसरी चीज, वो पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंसेस, तो हमने लिखा आईओडी डेबिट कितना 250 और 150, टोटल कितने हो गए 600। पार्टनर के लिए ज्यादा आईओसी है ज्यादा आईओडी है, आईओसी ज्यादा है, तो यहां पर क्या बचेगी पार्टनर की, क्या बचेगी इनकम। पार्टनर के लिए इनकम ज्यादा है, 3000 से 250 गए 2750, इसमें से गए 2300, इसमें से गए 1850, और इसमें से गए 6900 रुपीज। इतनी बात क्लियर होगी, क्लियर। बस जी ये पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए लॉस, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस यानी डेबिट, और कोई रेशियो नहीं है तो 6900 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 2300 2300 2300, और ये आ गया 6900 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये देखना है इसमें कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट, पहले भी क्रेडिट के कितने हैं 2750 और डेबिट के कितने हैं 2300, तो यहाँ पर किसके ज्यादा लग रहे, यहाँ पर क्रेडिट के 450 रूपए है, यहाँ पर कुछ नहीं है डैश, और यहाँ पर क्रेडिट के 1850 है और डेबिट के 2300, तो यहाँ पर डेबिट के बचेंगे 450 रूपए डेबिट के और यहाँ डैश, समझ गए। कॉपी निकाल रखिये, जर्नल एंट्री बनाइए, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जर्नल एंट्री। कैपिटल कैसी दी गई है, फिक्स दी गई है, तो फिक्स में क्या एंट्री बनेगी, यहां पर क्या एंट्री बनेगी, मोहन नहीं ये बनेगी अनिल, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, अनिल करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन करंट अकाउंट, ये एंट्री बना दीजिए। क्या एंट्री बनाई, अनिल करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन करंट अकाउंट बना दीजिए। कितने अमाउंट फील करेंगे, 450 रुपीज फील करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, समझ गए। अब बी और सी पार्ट इसका आप खुद से कीजिएगा, एक बार बी पार्ट जल्दी से पढ़ लीजिए, पिछले क्वेश्चन का 61 का बी। दी कैपिटल दे रखी है एबीसी की 20, 15 और 10, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ड्रॉइंग्स के और नेट प्रॉफिट के, यानी ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल दी गई है, यानी ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ये पाया गया कि आईओसी 10% की रेट से भूल गए, तो आईओसी कौन सी कैपिटल पर निकलता है, और यहां पर कौन सी दे रखी है, तो पहले से कौन सी बना लीजिएगा ओपनिंग, ठीक है। और आईओडी भी भूल गए 130, 90 और 50। प्रॉफिट पहले से ही एडजस्ट कितना क्या हुआ है, प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, और पार्टनर की ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, ठीक है जी, 1,800 और 500। पार्टनर एबीसी कितना, तो ए की ड्रॉइंग तो 1,000 है, बी की ड्रॉइंग्स 800 और सी की ड्रॉइंग 500 है, और उनका प्रॉफिट और लॉस रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है 2:1:1। आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन बताया ऐसा ही बिल्कुल 61 का आपको सी पार्ट मिलेगा, उसमें भी वही बिल्कुल वही कंडीशन होगी, तो पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के बी और सी पार्ट भी आप खुद से सीखने से कीजिएगा, ठीक है जी। तो बस आज हम यहीं तक करेंगे, तो उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।